आज ही के दिन 1670 में लियोपोल्ड प्रथम के आदेश के बाद ऑस्ट्रिया से यहूदियों को बाहर निकालना शुरू किया गया। 1921 में आज ही के दिन वियना में इंटरनेशनल वर्किंग यूनियन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1931 में आज ही के दिन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। 1932 में आज ही के दिन अमेरिका में वर्जीनिया के बोसेवैन में कोयला खदान में विस्फोट से 38 लोगों की मौत हुई। 1951 में आज ही के दिन अमेरिकी संविधान में 22वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल सीमित किए गए। 1956 में आज ही के दिन मिस्र में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। 1956 में आज ही के दिन लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर का निधन हुआ। 1965 में आज ही के दिन फ्रांस ने एकर अल्जीरिया में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 2002 में आज ही के दिन गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के एक डिब्बे में भीड़ ने आग लगा दी, जिसमें 59 लोग मारे गए। 2010 में आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ एवं प्रख्यात समाज सेवक नानाजी देशमुख का निधन हुआ। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया। वर्ष 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 2010 में आज ही के दिन भारत ने 8वीं राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 35 स्वर्ण, 25 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 74 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया।